नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। क्या तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नेपाली मोमो। सो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और मेरे बेटे ने कहा कि मोमो बनाओ मामा आज। सो इसलिए मैं आज मोमो बनाने जा रही हूँ। तुमको पसंद है? तुम्हारा क्या तुम्हारा नाम मोमो मीठो लगता? पीरो सावसा लेना हो चाहा ना, पीरो तो आइए देखते हैं कैसे पीरो बनता सावसा है। मालेन। ला सो मोमो बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कीमा। मैंने लिया है यहाँ पे चिकन कीमा, यहाँ पे ऐसा ही मिलता है। सो ये 1/2 किलो कीमा है और इसके साथ मैंने लिया है 2 प्याज, तो अब मैं ये प्याज को छोटे छोटे बिल्कुल बारीक काटेंगे इसको ऐसे। इसे बहुत ही छोटा काटिएगा, ये देखिए। मैंने प्याज काट लिए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये धनिया, अब देखिए ये मसाले हैं, थोड़ा सा नमक आपके स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, और ये है जीरा पाउडर 1½ टीस्पून, एंड देन ये है करी पाउडर, इसे आप 2 चम्मच डाल दीजिए, और 2 और 2½। और यहाँ पे मैंने तेल लिया है, तेल डालिए आप 3 और 4 स्पून तेल। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मैंने अपने हाथ अच्छी तरह से धो लिया है, तो मैं इसे हाथ से मिक्स करूंगी। पानी, जब आप इसे मिक्स करें तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करें, ऐसा करने से ये मोमो जूसी बनता है। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए 1/2 आवर रख देंगे ढक के। मैंने यहाँ पर 1/2 किलो मैदा लिया है, अब हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गून लेंगे। जैसे आप नॉर्मल रोटी खाते हैं, रोटी के लिए आप जैसे डो तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही तैयार कीजिएगा। ये हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो गया है, अब हम इसे ढक के रख देंगे 1/2 आवर के लिए। तो अब हम बनाएंगे मोमो के लिए अचार। सो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टमाटर, थोड़ा सा धनिया, 2 लहसुन और 1 लाल मिर्च,
और हाफ प्याज। तो सबसे पहले हम पैन रखेंगे और उसमें तेल थोड़ा सा बिल्कुल तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें मेथी दाना डालेंगे। अब उसके बाद हम इसे प्याज डाल देंगे। प्याज को सिर्फ हल्का सा भूनना है। उसके बाद लहसुन टमाटर डाल देंगे उसमें। इसे पकने देंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 2 मिनट बाद हमारी टमाटर आधी पक चुकी है। अब हम इसे थोड़ा पानी डाल के पकाएंगे। दो मिनट बाद फिर से इसे थोड़ा चलाइए। उसके बाद इसमें नमक आपके स्वाद अनुसार और थोड़ा सा जीरा पाउडर बस, और इसे मिक्स करें अच्छे से और फिर इसे अच्छी तरह से पकने के लिए करके रख दें। ये देखिए हमारा टमाटर पक चुका है। हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्च और धनिया और अपने गैस को बंद कर दें। जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं इसे मिक्स करूंगी मिक्सर से। तो आइए देखते हैं हमारी ये डो कैसा बना है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट
इसे फिर से एक बार गूंद लेंगे अच्छी तरह से। तो बिल्कुल छोटे छोटे बॉल बनाइएगा, देखिए मैं इसे बेलूंगी। ज्यादा मोटा भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं, इसे ठीक रखिएगा। देखिए मैं इसे कैसे बनाती हूँ, इसमें एक चम्मच कीमा रखिएगा ऐसे, और इसे ऐसे ऐसे मोड़ते जाइएगा। ये देखिए बनकर तैयार है, मैं फिर से एक बार और दिखाती हूँ। ये देखिए लिस्ट ऑफ मेरे बाकी मोमो सब बनके तैयार हो चुके हैं, और मेरे पानी भी यहाँ पे स्टीम होने के लिए रेडी है। तो हम इसे रख देंगे स्टीम होने के लिए, इसे हम 15 मिनट तक पकाएंगे। और यहाँ पे मेरे लीजिए खाइए और बताइए कैसा बना है। अच्छा बना है, बहुत अच्छा, कुछ बोलिए। तो आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय वंदना सर, बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, नमस्ते।